आपने इरशाद फरमाया अपनी बीवियों के लिए जेब व जीनत इख्तियार करो, मैं कुर्बान जाऊं। मैं तो आपको नबी का दीन बता रहा हूं, आपका तो दीन बड़ा औखा काम, बीवी वास्ते चंगे कपड़े पाना औखा काम। मेरे नबी ने कहा अपनी बीवियों के लिए जेब व जीनत इख्तियार करो, सुभान अल्लाह। औरतों से कहा वाह वाह कुर्बान जाऊं, इशारतन इशारतन, हमें मर्दों को सराहतन, औरतों को इशारतन अपनी बीवियों के लिए जेब व जीनत इख्तियार करो। बनू इसराइल में जिना इसलिए फैला कि मर्दों ने बीवियों के लिए जेब व जीनत छोड़ दी तो वो गैर मर्दों की तरफ मायल हो गई। और फिर औरतों को फरमाया कि खामदों के लिए तैयार हो, कैसे? आपने फरमाया जन्नत की हूर, जन्नत की हूर अपने खामिंद के लिए ऐसे तैयार होगी जैसे उम्मे सलमा मेरे लिए तैयार होती हैं। सुभान सुभान। अभी औरतों ने शादी पे जाना हो तो बेचारे मर्द की मुसीबत आई होती है, वोदिया त्रै जुतियां त्रुट जांदियां कपड़े ढो ढो के, और खामिंद के लिए तैयार होना हो तो मौत पै जाती है। अपने खामिदों के लिए तैयार हो वरना वो और औरतों की तरफ मायल हो जाएंगे। ये इसमें खुफिया पैगाम है। मेरे नबी हया वाले हैं, पाकीजा जबान पाकीजा जात, मर्दों को सराहतन फरमा दिया अपनी औरतों के लिए तैयार हुआ करो। बनु इसराइल में इस वजह से फहाशी फैली। और फिर इशारत जन्नत की हूर अपने खामिंद के लिए ऐसे तैयार होती है जैसे उम्मे सलमा अल्लाह के रसूल के लिए तैयार होती हैं। जब हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला की शादी हुई और निकाह हो गया और रुखसती एक माह बाद, दो माह बाद, छह माह बाद, एक साल बाद या फौरन, ये सारी रिवायात हैं, लेकिन ज्यादा सही है कि कुछ अरसे बाद रुखसती थी, फौरन नहीं थी। तो जब हजरत अली ने आके रुख्सती का मुतालबा किया हजरतों में ऐमन के जरिए से, तो आपने हजरत हफ्सा और हजरत उम्मे सलमा और हजरत आयशा इन तीनों से फरमाया कि तुम जानती हो ना मेरी बेटी फातिमा मुझे कितनी महबूब है, मेरी बेटी को दुल्हन बनाओ, अल्लाह अकबर, मेरी बेटी को तैयार करो। ये मैं दीन बयान कर रहा हूं, बेपर्दगी नहीं, बेहयाई नहीं, जेब व जीनत मेरे दीन का हिस्सा है, मेरे नबी की शरीयत है। मेरा नबी खूबसूरत दीन लेकर आया है, एक खूबसूरत जिंदगी लेकर आए हैं। पता नहीं हमने कहां से अजीब व गरीब दीन के फलसफे निकाल लिए हैं। सुभान अल्लाह, कुर्बान जाऊं। आपने कहा जागर शादी की, काजी की का कमारी से के बेवा से, काजी बेवा से की का अल्लाह बिकरन फतुलाइबु का वतुलाइबुहा, अरे तूने कुंवारी से क्यों ना की, वो तुझसे खेलती तो उससे खेलता। मैं अपना मेरे नबी का दीन बयान कर रहा हूं। आप क्या समझना सिर्फ रमजान के रोजे रखना दीन है? हां वो दीन है, बहुत बड़ा हिस्सा है दीन का, इबादत मेरे दीन की बेस है, बेस हिल गई तो सारी इमारत गिर जाएगी। नमाज निकल गई, रोजा निकल गया, जकात निकल गई, हज निकल गया, पीछे क्या रह गया, सारी इमारत टूट गई। लेकिन ये बेस को इमारत नहीं कहते। हां बेस पर इमारत खड़ी होती है। मैं इमारत के कुछ खद व खाल बता रहा हूं, कुछ नैन कुछ नक्शो निगार बता रहा हूं कि मेरा नबी दीन की इमारत हमें कैसे जिक्र है। कभी आपने मैला कपड़ा नहीं पहना, पुराना कपड़ा पहना, पैबंद लगा कपड़ा पहना, मैला कपड़ा जिंदगी भर नहीं पहना, जिंदगी भर। और आपके बदन मुबारक से, आपके पसीने से ऐसे खुशबू आती है जैसे मुश्क से खुशबू आती, दुनिया के सबसे महंगी खुशबू। आप हजरत उम्मे सुलेम के घर में आराम फरमा रहे थे दोपहर के वक्त, दोपहर के वक्त तो आप यूं करके सोए हुए थे, यूं ये कोहनी आगे निकली हुई थी,
आंख खुली तो देखा उम्मे सुलेम ने यहां बोतल रखी हुई थी। हाँ यहां तो आपने कहा क्या कर रही हो? तो क्या था, चूंकि गर्मी पंखे तो है नहीं, पसीना यहां से नीचे गिर रहा था, उम्मे सुलेम ने नीचे बोतल रखी हुई थी और वो सारा पसीना उसके अंदर जमा कर रही थी। कहा उम्मे सुलेम क्या कर रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह ये आपका पसीना इकट्ठा कर रही हूं, ये मुश्क से ज्यादा खुशबूदार होता है, मेरे नबी ने कभी गंदे कपड़े नहीं पहने, कभी मैले कपड़े नहीं पहने, पुराना पहना है, पैबंद लगा पहना है, मैला नहीं पहना। मेरा दीन ये नहीं कहता कि ऐसी शक्ल में आ जाओ कि लोग भागने लग जाएं।